ओप्यायन्तु ममांगानी वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सामवेद की तलवकार शाखा की केनोपनिषद जिसका वाक्य भाष्य उस पर हम लोग विचार करते हैं। यह वाक्य भाष्य में जो तृतीय खंड में मंत्र आया ब्रह्म हो हा देवेभ्यो विजिज्ञे ब्रह्म यानी ईश्वर, तो यहाँ पे ईश्वर के ऊपर आक्षेप करके वो समाधान हो रहा है। ईश्वर को मानने की आवश्यकता क्या है ये सब बता रहे हैं। तो अभी जो प्राचीन मीमांसक जरत मीमांसक, जरत यानी प्राचीन वृद्ध, जो प्राचीन मीमांसक लोग हैं वो लोग क्या कहते हैं कि निर्निमित्तक कर्म ही फल रूप से परिणत होगा, जगत रूप से परिणत हो जाएगा, इसलिए ईश्वर को अलग से मानने की आवश्यकता नहीं। इसके आशंका का उत्थापन करके बता रहे प्रथम पंक्ति में, देखिए पेज नंबर 83। न च निर्निमित्तम, जो निर्निमित्तक कर्म है तद अनिच्छया आत्मसमवेतम, जीव की इच्छा से के बिना ही आत्मा में समवेत हो करके तत्चर्म विकरोति कर्म, चर्म के समान उसको विकृत हो जाएगा, परिणमित हो जाएगा। इच्छा के बिना ही जीवात्मा में समवेत हो करके वह आत्मा से संबद्ध हो करके वह परिणत हो जाएगा। तो बोले ऐसा नहीं हो सकता, टीका में दे दिए थे, कर्तोर अनिच्छया कर्म कर्म विकरोति, कर्ता की इच्छा के बिना ही कर्म विकार को प्राप्त कर लेगा। इसमें उदाहरण दिए थे चर्मवत, तो बोले कि इत्यत्र दृष्टांता भावात, यहाँ पे आपको कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा। बोले चर्म का जो दृष्टांत दिए हो, चर्म भी बिना किसी निमित्त के विकृत नहीं होता। यदि न चर्मणोपि विकारस्य सनिमित्तत्वाद इत्यर्थ, चर्म में जो हो विकार हो रहा है वह अभी सनिमित्तक है, बिना किसी निमित्त के वह विकार नहीं हो सकता, इसलिए वो चर्म में जो विकार आया वह अभी सनिमित्तक है, ऐसा ये सिद्ध होता है। क्योंकि तो कोई जो है कट गया, जल गया, अथवा अवस्था अधिक हो गई, झुर्रिया आदि पड़ गए, तो कुछ न कुछ निमित्त जरूर रहता है। इत्यर्थ ए न च आत्मा। टीका में आगे देखिए, यच्च सौगतेन उच्यते, सौगत यानी बुद्ध, सुगत यानी बुद्ध, बुद्ध के मत का अनुसरण करने वाले को सौगत कहते हैं। यच्च सौगतेन उच्यते फल काल पर्यंतम कर्तुर अवस्थाना भावात, जो सौगत है बुद्ध, बुद्ध मत को बौद्ध मत को मानने वाला, उसके द्वारा जो कहा जाता है कि फल काल पर्यंतम कर्तुर अवस्थाना भावात, फल काल पर्यंत कर्ता की अवस्थिति नहीं होती है, इसलिए न कर्तृ समवेतम कर्म, इसलिए कर्म कर्ता में समवेत नहीं है। किंतु क्षणिक विज्ञानेन आत्मता कृतम, क्योंकि वो लोग क्या कहते हैं कि क्षणिक विज्ञान जो है वो बदल रहा है हर समय,
वो लोग क्षणिक विज्ञान को ही आत्मा मानते हैं, क्षणिक विज्ञान ही उनके मत में आत्मा है। इसलिए वो जो क्षणिक विज्ञान रूपी जो आत्मा है, तो वह तो उसकी अवस्थिति नहीं रहेगा जो उससे, वो लोग क्या है, उसी क्षण उत्पन्न होता है, उसी क्षण विनष्ट हो जाता है। उनका क्षणिकत्व का मतलब है कि तीन क्षण नहीं, नैयायिक लोग तो क्षणिक का मतलब मानते हैं कि जिस क्षण उत्पन्न हुआ उसके अगले क्षण में स्थित रहेगा, तीसरे क्षण में विनष्ट होगा। लेकिन इनके मत में नहीं, हर एक क्षण जो विज्ञान की जो धारा चल रही, मैं ये जो धारा चल रही है, क्षणिक वो क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है। तो अभी क्षणिक विज्ञान के धारा के किसी व्यक्ति के द्वारा कर्म हुआ और जब उस कर्म का फल मिलेगा तब तक तो क्षणिक विज्ञान नहीं रहेगा। वही कह रहे हैं, देखिए, यच्च सौगते नुच्यते फल काल पर्यंतम कर्तुर अवस्थाना भावात्। जो बौद्ध मतावलंबी के द्वारा कहा जाता है कि फल काल पर्यंत कर्ता की अवस्थिति नहीं होती है, इसलिए न कर्तृ समवेतम कर्म, इसलिए कर्म कर्ता कर्ता में समवेत नहीं, संबद्ध नहीं है। किंतु क्षणिक विज्ञानेन आत्मता कृतम, क्षणिक विज्ञान रूपी जो हर एक क्षण में उत्पन्न हो रहा है, विनष्ट हो रहा है, ऐसे क्षणिक विज्ञान रूपी आत्मा के द्वारा वह कर्म किया गया है। तो कदाचित फलस्य आकृष्टी भवन, वह कभी अन्य काल में फल का आकर्षण कर देगा, आकर्षण करके फल को देगा, फल को खींच करके लाएगा, वो देगा, फिर फल हो जाएगा। इसलिए कर्म ही फल दे देगा। यथा अयस्कांतो मणि ही कदाचित चेतने में प्रयुक्त हो, जैसे अयस्कांत मणि मैग्नेट चुंबक को कभी चेतन ने ला करके किसी जगह रख दिया, लोहे के समीप में रखा, लौह पिंड के समीप में रखा, तो बाद में भी वह लोहे को खींचता है। तो कदाचित चेतने ने प्रयुक्तो अन्यदापि, अन्य काल में भी, जिस काल में वह चेतन ला के रखा उस काल से अतिरिक्त अन्य काल में भी वह लोहे को खींचता है। अन्यदापि लोह से प्रेरको भवत, वह प्रेरक हो जाता है। तद्वत, ऐसे ही क्षणिक विज्ञान रूपी आत्मा के द्वारा कर्म किया गया है, वह कर्म, क्योंकि जब कर्म फल देगा उस समय तक तो आत्मा रहेगा ना, हर क्षण बदल रहा है, मैं हम हम की धारा चल रही है, यही क्षणिक विज्ञान आत्मा है, तो ये तो हर क्षण बदल रहा है। तो वह जो है जब तक फल मिलेगा तब तक रहेगा नहीं, इसलिए वह कर्म स्वयं ही फल का आकर्षण कर लेगा, जैसे चुंबक लोहे को आकर्षण कर लेता है। तो लोह से प्रेरको बहुत तद्वदिति, ऐसा वो लोग मानते, तत्र उस विषय में सिद्धांती उसको जवाब दे रहा है, सिद्धांती उत्तर दे रहा है भाष्य में प्रथम पंक्ति आखिरी में, न च आत्मकृतम अकर्तृ समवेतम अयस्कांत मणिवद आकृष्टी भवति। आत्मा के द्वारा, किस आत्मा के द्वारा, क्षणिक विज्ञान रूपी आत्मा के द्वारा कर्म किया गया, और वह कर्ता में क्षणिक विज्ञान में संबद्ध नहीं है, क्योंकि वो तो करके तुरंत नष्ट हो गया, उसी क्षण आत्मा नष्ट हो गया, तो कर्ता में समवेत संबद्ध नहीं है। तो भी अयस्कांत मणिवद आकृष्टी व न च भवत, अयस्कांत मणि के समान वह फल का आकर्षण नहीं कर देगा, चुंबक के समान, मैग्नेट के समान वह फल का आकर्षण नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नियम है, प्रधान कर्तृ समवेतत्वात् कर्मणः, कर्म कभी भी प्रधान कर्ता में ही संबद्ध होता है, प्रधान कर्ता में ही कर्म रहता है। प्रधान कर्ता कौन है, टीका में दे रहे, करणानी करणादिनी कारकाणी यह प्रेरयन कर करोति स प्रधान कर्ता। करण आदि कारकों को, किसी भी क्रिया में अधिकतम छह कारक होते हैं, जानते होंगे लेकिन फिर भी बता देता हूँ। एक तो है कर्ता कारक, कर्तृकारक, जो स्वतंत्र होता है, जैसे देवदत्त को कहीं जाना है, वह गमन क्रिया का कर्ता है, वह जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, भिन्न प्रकार से जा सकता है, कल जा सकता है, देवदत्त हो गया गमन क्रिया का कर्ता। कहाँ पे गमन कर रहा है, कहीं दूसरी जगह, जिस गंतव्य पे जा रहा है, जैसे देवदत्त यहाँ से जा रहा है ग्वालियर, अथवा किसी अन्य तीर्थ में जा रहा है, समझ लीजिए महाकालेश्वर जा रहा है,
उज्जैन, उज्जैन हो गया उसका गमन का कर्म, तो वह देवदत्त नाम का पुरुष हो गया गमन का कर्ता, गमन क्रिया का कर्ता, और महाकालेश्वर उज्जैन हो गया उसका गमन का कर्म। और किस साधन से जाएगा, वह साधन हो जाएगा करण। इस तरह से कर्ता कर्म इसी प्रकार अन्य क्रिया में भी और भी कारक होते, जैसे किसी को दान करना हो तो जिसको दान करोगे वह हो जाएगा संप्रदान, और विश्लेष होगा, संबंध वियोग होगा, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा, संबंध का वियोग हुआ, उसको कहते अपादान। और जहाँ पे बैठ करके आप भोजन करते हो उसना वो अधिकरण हो गया आश्रय। इस तरह से किसी भी क्रिया की सिद्धि में ये अधिकतम छह कारक होते हैं, ये छह कारक रहते हैं, उसमें से कर्ता जो है स्वतंत्र कारक है, प्रधान कर्ता जो, देखो वही करे करणादिनी कारकाणी यह प्रेरयन करोति, करण आदि कारकों को, करण से आदि से ले लीजिए, संप्रदान अपादान, इन सभी कारकों को जो प्रेरित करता हुआ क्रिया को करता है, सब प्रधान करता, वह प्रधान है करता, प्रधान करता है। तत्संवितम कर्म, कर्म यानी क्रिया, क्रिया तो उसी में रहेगी, क्रिया जो है जैसे देवदत्त गमन क्रिया कर रहा है तो गमन क्रिया जाना क्रिया देवदत्त में रहेगी, जो तत्संवितम कर्म उसी देव प्रधान कर्ता से संबद्ध होता है कर्म यानी क्रिया। ये प्रसिद्ध, ये बात प्रसिद्ध है, कोई नई बात नहीं है। तस्य च फलकाल पर्यंतम स्थायित्वम एष्टव्यम, ऐसा जो वह करता है प्रधान कर्ता, जो क्रिया का आश्रय है, फलकाल पर्यंत उसको स्थिर मानना पड़ेगा। जो देवदत्त महाकालेश्वर उज्जैन जा रहा है, जब तक उज्जैन का संयोग नहीं हो जाएगा तब तक उस देवदत्त को रहना पड़ेगा। अगर बीच में ही मर गया, कहीं खत्म हो गया, कुछ हो गया, वो फिर पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए जब तक फल काल नहीं आ जाता तब तक कर्ता रहता है। और आपके मत में, आपके विज्ञानवाद में एक क्षण, हर क्षण आत्मा बदल रहा है, इसलिए वो आपका मत ठीक नहीं है। फल काल पर्यंतम स्थायित्वम एष्टव्यम, फल काल पर्यंत उस कर्ता को मानना पड़ेगा, लेकिन आपके विज्ञानवाद में ऐसा संभव नहीं है। अन्यथा कृताभ्यागम कृत विप्रनाश प्रसंगा, क्योंकि अगर नहीं तो क्या होगा, फल काल पर्यंत नहीं रहेगा, तो अकृत अभ्यागम कृत विप्रनाश रूपी दो दोष होता है। जैसे देखिए, जो बच्चा जो है कोई पैदा हुआ, पैदा होते ही रोने लगता है, कभी हंसने लगता है, उसको सुख दुख मिलता है। वह सुख दुख कैसे मिला, यानी पूर्व जन्म का कर्म है तभी उसको सुख दुख मिल रहा है। अगर बिना कर्म के ही माने के भी पहली बार जन्म लिया तब तो अकृत अभ्यागम, जिस कर्म को किया नहीं उसका फल उसे मिल रहा है, अकृत अभ्यागम। इसी प्रकार हर एक विज्ञान ने इनके हर क्षण मत बदल रहा है। जिस विज्ञान ने कर्म नहीं किया है उसको फल मिलेगा तो उसको कहेंगे अकृत अभ्यागम, और जिस विज्ञान, जिस ज्ञान ने कर्म किया है वह तो नष्ट हो गया, आगे उसको फल नहीं मिलेगा, तो कृत विप्रनाश, किए हुए का नाश हो गया, ये दोष आता है। इसलिए जब फल काल पर्यंत कर्ता को स्थिर नहीं मानोगे तो अकृत अभ्यागम और कृत विप्रनाश, जो नहीं किया उसका फल मिलने लगा, क्योंकि जिस विज्ञान ने कर्म नहीं किया, क्रिया नहीं, उसको फल मिल रहा है, अकृत अभ्यागम दोष, और जिसने किया वो फल से पहले ही नष्ट हो गया, कृत विप्रनाश दोष हो जाएगा। और प्रतिविज्ञा प्रामाण्यच, प्रतिविज्ञा भी प्रमाण होने से फल काल पर्यंत कर्ता की स्थिति माननी ही पड़ेगी। देखिए इसके ऊपर टिप्पणी दिए है, प्रतिविज्ञा दिखाए है टिप्पणी में, 18 नंबर टिप्पणी देख सकते हैं। प्रतिविज्ञा मतलब यह वही है जिसको मैंने 6 महीने पहले देखा था, यह वही है, इस ज्ञान को कहते प्रतिविज्ञा, पहले देखा था अभी सामने देख रहा है, यह वही है, इस ज्ञान को प्रतिविज्ञा कहते हैं। 18 नंबर टिप्पणी में देखिए दिखा रहे, यो हम अचूचूरम,
अचूचुरं सोहमिदानीं कारागारं प्रविशितः इत्यादि प्रतिविज्ञा बलाच्च कर्तु स्थायित्वम एव प्रामाणिकम इत्यादि। जैसे किसी व्यक्ति ने चोरी किया, चौर्य कर्म किया, पकड़ा गया, जेल में डाल दिया गया, तो क्या उसको प्रतिविज्ञा होती है कि जिस मैंने चोरी किया योहम अचूचुरं सोहम इदानीं कारागारं प्रवेशितं, उसी मुझको देखो कारागार में डाल दिया गया, ऐसा उसको चोर को प्रतिविज्ञा होती है। तो मतलब जिसने कर्म किया उसको फल मिल रहा है, तो फल काल पर्यंत कर्ता को स्थायी कहना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि करके नष्ट हो गया। इसलिए आपका मत ठीक नहीं है कि ऐसा कि आत्मविज्ञान कर्ता नष्ट हो जाएगा, बाद में वह कर्म फल का आकर्षण कर देगा, ये मत ठीक नहीं है। अब इसके बाद चारवाक आ रहा है जो शरीर को ही आत्मा मानता है। ठीक है, मैं देखिए लोकायति, लोकायति का अभिप्राय उद्भाव्य दूषयति, लोकायतिक का जो अभिप्राय है, देखिए चारवाक मत क्या है, चारवाक लोगों का मत जानते हैं सामान्य रूप से आप लोग, और भी बता देता हूँ। वो लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु ये चार भूत मानते हैं, आकाश को नहीं मानते। तो पृथ्वी जल तेज वायु ये चारों भूतों का एक विशेष विशिष्ट मिश्रण, उस विशिष्ट प्रकार से मिश्रण करने पर चेतन, मिश्रण होने पर चेतनता हो जाती है, चेतनता आ जाती है, अपने आप चेतन होता है। जैसे वह चूना कत्था इत्यादि खाओ खाओगे तो मुख में लालिमा आ जाती है, चूना कत्था मिला करके लालिमा हो जाती है, और फलों को सड़ा देने पर उसमें मादकता आ जाती है, नशा नशा वाली शक्ति आ जाती है। ऐसे चारों भूतों का एक विशिष्ट संयोग होने पर उसमें चेतनता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए चेतनता चैतन्य या भूतों का ही धर्म है, ऐसा वो लोग मानते हैं। तो और इसलिए वो शरीर आत्मवाद, शरीर में ही शरीर ही आत्मा है। देखिए वह लोकायतिका अभिप्राय उद्भाव्य दूषयति, लोकायतिक, लोकायतिक इसलिए कहते हैं कि लोक में उनका ज्यादा बोलबाला है, लोके आयतो विस्तारो ऐसा ते लोकायतिका, जिनका लोक में ज्यादा विस्तार है, उस लोकायतिक के अभिप्राय का उठा उत्थापन करके दूषयति, दूषण दे रहे भूताश्रम इत्यादि। देखिए भूताश्रयम इति चेत सिद्धांतिकरण, भूतों में आश्रित है वह, यदि ऐसा मान ले तो सिद्धांतिकरण साधनत्वात्। देखिए इसका अर्थ दिखा रहे आगे, पहले कर्म भूतों में आश्रित, वो क्या कहेगा, कर्म जो क्रिया है ना वो भूतों में आश्रित है। तो सिद्धांतिकरण भूत जो है, यानी भूत जो शरीर इंद्रिय आदि रूप से परिणत हुए है, वो तो क्रिया के साधन है। गीता में कह दी 18वें अध्याय, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचम। क्रिया की निष्पत्ति में पांच हेतु होते हैं, अधिष्ठान जहाँ पे क्रिया करेगा, तथा कर्ता करने वाला, करण इंद्रिय आदि, अधिष्ठान करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा, विविध जो चेष्टाएं और दैव यानी प्रारब्ध, अथवा कुछ और दैव का अर्थ देवताओं का अनुग्रह को भी लेते हैं इंद्रियों के ऊपर, ते जो है क्रिया के निष्पादन के ये हेतु है। इसलिए आप कहोगे भूतों में आश्रित है क्रिया कर्म, ऐसा नहीं हो सकता हो, क्योंकि वो तो साधन है क्रिया के, साधन में क्रिया नहीं आश्रित होती, आश्रय अलग मानना पड़ेगा। टीका में, अच्छा टीका में तो अब उसी का थोड़ा विग्रह मतलब ये दे रहे हैं, विवरण भाष्य, वो तो संग्रह भाष्य है ना, विवरण, पांचों भूतों में, चारों भूतों में आश्रित है क्रिया, बोले नहीं वो तो साधन है, कर्तृ क्रिया या साधन भूतानी भूतानी, ये जो चारों भूत है पृथ्वी जल तेज वायु, एक कर्ता के, कर्ता में रहने वाले क्रिया, उस क्रिया के साधन है। इसलिए क्रिया काले अनुभूत व्यापाराणी, क्रिया काल में वो व्यापार का अनुभव करते हैं,
यानी व्यापार से विशिष्ट होते हैं। गमन क्रिया कर रहा है तो हाथ पैर चलेगा तभी तो गमन क्रिया करेगा। तो जो भूतों का परिणाम है शरीर इंद्रिय आदि, वो तो व्यापार से विशिष्ट होती है और कर्ता की क्रिया के साधन रूप होते हैं भूत, और क्रियाकाल में व्यापार से विशिष्ट होते हैं। समाप्त उच्च हलादिवत कर्त्रा परित्यक्तानि, समाप्ति क्रिया की समाप्ति होने पर हलादि के समान कर्ता के द्वारा परित्यक्त हो जाते हैं, यानी प्रस्तुत व्यापार से परांगमुख हो जाते हैं, उस व्यापार को छोड़ देते। जैसे देखिए कोई कृषि हलादिवत उदाहरण दे दिए, जैसे कोई किसान है, जब खेत को उसको जुताई करना रहेगा तो हल आदि जो है लेके जाएगा। अब जब उसको खेत का जो जुताई वाला कर्म पूरा हो गया तो हल को वापस लाके छोड़ देता है, रख देता है। ऐसे क्रियाकाल में शरीर इंद्रिय आदि व्यापार से विशिष्ट होते हैं, और क्रिया जब पूरी हो गए तो व्यापार से परांगमुख हो गए। यहाँ से कहीं दूर जा गए आप और जाके वहाँ सो गए, मतलब जब आपको गमन करना है तो हाथ पैर आदि में व्यापार होगा, और जब गमन पूरा हो गया तो आराम से लेट गए, यानी उस व्यापार को छोड़ देते हैं। इसलिए ये जो भूत है क्रिया के साधन है, क्रिया की समाप्ति पर कर्ता के द्वारा उनको उनमें परित्यक्त हो जाते हैं, मतलब वो क्रिया से परांगमुख हो जाते हैं। क्रिया पहले कर रहे थे अभी छोड़ दिए, इसलिए न फलम कालांते कर्तुम उत्साहन्ते, वे कालांतर में भूत फल की उत्पत्ति नहीं कर सकते। क्योंकि उदाहरण नहीं हलम क्षेत्रात ब्रहीन गृहम प्रवेश, हल जब कृषि भूमि को जब कर्षण करना है, जुताई करना है, उस समय तो वहाँ देखो व्यापार कराए, और जब उसको छोड़ दिया व्यापार सब कर्षण हो गया, बाद में वो थोड़ी फल का अनुभव करता है। हल तो अलग से एक जगह पड़ा रहेगा। वही कह रहे नहीं हलम क्षेत्राद ब्रीहीन गृहम प्रवेश यति, जो हल है कृषि भूमि से ब्रीही को ला करके घर में नहीं प्रवेश करवाता। इसी प्रकार यहाँ शरीर इंद्रिय आदि वो साधन भूत है, इसलिए क्रिया की समाप्ति होने पर क्रिया से परांगमुख हो जाते हैं, इसलिए फल का कालांतर में फल का अनुभव करने के योग्य नहीं है, फल को करने के योग्य नहीं, फल नहीं कर पाएंगे। भूत कर्मणोश्च अचेतनत्वात् स्वतः प्रवृत्ति अनुपत्ति, भूत और कर्म ये दोनों के दोनों चेतन नहीं बल्कि जड़ है, इसलिए स्वतः प्रवृत्ति अनुपत्ति, किसी चेतन के बिना इनमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती। जैसे रथ अथवा आजकल गाड़ी व्हीकल जो गाड़ी मोटर है, तो बिना किसी चेतन के स्वतः प्रवृत्त नहीं होता, चेतन से ही प्रवृत्त होता है। इसलिए वो जो मत है आपका वो ठीक नहीं है। तो इस तरह से कह दिया। अब यहाँ पे कहेगा पूर्व पक्षी यानी चारवाक क्या कहेगा कि नहीं नहीं जो जड़ में भी तो प्रवृत्ति हो जाती है, जड़ में भी कहीं कहीं प्रवृत्ति होती है। वायु वदिति चेत न असिद्धत्वात्, बोले वायु में, वायु तो जड़ है, उसमें देखो प्रवृत्ति होती है, वायु तो दिन भर घूमते रहता है, वायु तो हमेशा चलते रहता है, उसकी गति कभी रुकती नहीं है, इसलिए जड़ में भी प्रवृत्ति हो जाएगी स्वतंत्र रूप से। सिद्धांतिकरायति चेत न, सिद्धांतिकर न ऐसा मत कहो असिद्धत्वात्, वायु में जो प्रवृत्ति है चेतन स्वतः प्रवृत्ति हो रही ऐसी सिद्धि नहीं है, चेतन से प्रयुक्त ही प्रवृत्ति वायु में भी है। नहीं वायोरचिति मत स्वतः प्रवृत्ति सिद्धा, वायु जो चेतन अचिति मत जो चेतना वाला नहीं है जड़ है उसमें स्वतः प्रवृत्ति सिद्ध नहीं है। रथादिशु अदर्शनात्, क्योंकि अगर जड़ में स्वतः प्रवृत्ति मानोगे तो रथादि में क्यों नहीं होता, रथ भी स्वयं जो है प्रवृत्ति कर ले, गृह भी स्वयं प्रवृत्ति कर ले, कपड़ा स्वयं प्रवृत्ति कर ले, कपड़ा स्वयं स्वामी के पास पहुंच जाए, भाई अभी पढ़ने का टाइम आ गया तुम मुझे पहन लो,
ऐसा होता है कि ऐसा नहीं देखा गया है, जो जड़ है उसमें स्वतः प्रवृत्ति सिद्ध नहीं है, इसलिए चेतन में स्वतः प्रवृत्ति हो नहीं सकती। इसलिए चार्वाक मत। हाँ जी बोलिए। जड़ में वायु में प्रवृत्ति, वही समझ लीजिए अंतर्यामी आदि आया है ना, परमात्मा से प्रवृत्त अंतर्यामी वायु, तो अंतर्यामी की अंतर्यामी से प्रेरित होकर के प्रवृत्त हो रहा है कोई नहीं। अरे भाई एक नियामक है ना अंतर्यामी, जैसे यहाँ बताए स्रोत से स्रोत्रम मनसो मनोयद है कि नहीं, स्रोत्र से भाई स्रोत्र आदि भी तो जड़ है, कोई ना कोई प्रवृत्ति करा रहा है भाई, चेतन प्रवृत्ति करा रहा है। चलिए, इसलिए जड़ में स्वतः प्रवृत्ति सिद्ध नहीं है, किसी ने किसी से प्रेरित होकर गई होगी, इसलिए चार्वाक मत खंडित हुआ। अब ये प्राचीन मीमांसक का मत खंडित किए थे, नवीन मीमांसक का मत अब खंडित कर रहे। मीमांसकों में भी कई नवीन प्राचीन है, जैसे वेदांत मत में भी प्राचीन वेदांती लोग कुछ, नवीन वेदांती लोग कुछ, थोड़ा सा कहीं कहीं प्रक्रिया में अंतर आ जाता है, प्रक्रिया में कुछ भेद आ जाता है थोड़ा बहुत तो, लेकिन आज सिद्धांत में परिवर्तन नहीं है। ऐसे ही आधुनिक कर्म मीमांसक लोग हैं, आधुनिक कर्म मीमांसका नाम मतम उद्भावयति। आधुनिक जो नवीन कर्म मीमांसक है, पूर्व मीमांसक लोग हैं, उनके मत का उद्भावन कर रहे हैं, उठा रहे हैं उनके मत को उठा के, उनका भी अब खंडन करेंगे शास्त्रादि इत्यादि ना। शास्त्राद कर्मणि चेत, बोले शास्त्र प्रमाण होने से कर्म ही फल दे देगा, कर्म से ही फल हो जाएगा। इति चेत शास्त्रम ही क्रियाता फल सिद्धि महा, शास्त्र तो क्रिया से ही फल की, यागादि क्रिया से ही फल की सिद्धि कहता है। हाँ, इसलिए वो लोग धर्म का लक्षण करते हैं, क्योंकि वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म, जिसका वेद में प्रतिपादन किया गया है, किसी न किसी फल वाला है, और अर्थ अर्थ है, अनर्थ रूप नहीं है, अनिष्ट देने वाला नहीं है, सार्थ अर्थ है, सार्थक है। तो वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वाला जो अर्थ है, अनर्थ रूप जो नहीं है, उसे कहते हैं धर्म। तो शास्त्र स्वयं कह रहा है कि क्रिया से ही, याग आदि क्रिया से ही फल सिद्धि हो जाएगी, फल के लिए किसी जो है ईश्वर आदि को मानने की आवश्यकता नहीं, न ईश्वर आदि है, ईश्वर आदि से फल की सिद्धि नहीं, क्रिया से ही फल की सिद्धि हो जाएगी। कौन सा शास्त्र कह रहा है? स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि, स्वर्ग को चाहने वाला यज्ञ करे इत्यादि जो शास्त्र है, शास्त्र वाक्य यही कह रहा है कि याग से ही फल मिल जाएगा, होम से ही फल मिल जाएगा, अलग से ईश्वर को मानने क्या आवश्यकता है। देखिए इस बात को टीका में दिखा रहे थोड़ा। यजेत इति आख्यात पदात सामान्य न समीहित साधनम याग प्रतीयत। देखिए यजेत यहाँ पे आख्यात, आख्यात नहीं तिगंत है, व्याकरण जानने वाले जानते हैं कि दो प्रकार के शब्द होते हैं, शुबंत और तिगंत। शुबंत जैसे राम रामो रामा, और तिगंत हो गए भवति भवता भवंती, उसी के आख्यात आख्यातांत कहते हैं, आख्यात तिंग प्रत्यय को आख्यात कहते हैं। यजेत इति आख्यात पदात, ये आख्यात मतलब तिगंत पद है, क्रियापद है, उसे सामान्यन समीहित साधनम याग विधीयते। सामान्य रूप से समीहित यानी इष्ट, इष्ट का साधन, इष्ट है स्वर्ग, स्वर्ग का साधन जो याग है उसकी प्रतीति हो रही है सामान्य रूप से, क्योंकि जो इष्ट साधनता ही प्रवर्तना है, प्रेरणा है, प्रेरणा दे रहे भाई तो स्वर्ग को चाहने वाला याग करे, मतलब स्वर्ग कामो यागेन इष्टम भावे, स्वर्ग को चाहने वाला याग के द्वारा इष्ट की प्राप्ति करे। जैसे विद्या को चाह, विद्या का विद्या चाहने वाला अध्ययन करे, विद्या चाहने वाला अध्ययन करे मतलब विद्या को जो चाहने वाला अध्ययन के द्वारा अपने अभीष्ट की प्राप्ति करे। इसी प्रकार स्वर्ग को चाहने वाला यजन करे मतलब स्वर्ग को चाहने वाला याग के द्वारा इष्ट की प्राप्ति करे, स्वर्ग की प्राप्ति करे। कस्य समीहित से साधन, वह किस इष्ट का साधन है, कौन से इष्ट फल की सिद्धि करेगा। इति विशेषाकांक्षायाम स्वर्ग काम पद सन्निधाना
यजेत, यजेत के पास में स्वर्ग काम याग करे, कौन याग करे, स्वर्ग को चाहने वाला याग करे, भोजन करे, कौन भोजन करे, भूखा आदमी भोजन करे। तो जो कौन कौन जो है किसका साधन है, तो साथ में पास में जो पद है स्वर्ग काम, तो इससे मालूम पड़ जाएगा वह इष्ट विशेष हो गया स्वर्ग, स्वर्ग को चाहने वाला याग करे, मतलब याग से क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। तो किस इष्ट फल का साधक है, साधन करेगा वह याग, विशेष ऐसी आकांक्षा होने पर स्वर्ग काम पद सन्निधानात, स्वर्ग काम पद पास में आया, स्वर्ग कामो यजेत, इसलिए काम्यमान स्वर्ग साधनत्वम यद्यपि अवगम्यते, कामना का विषय जो स्वर्ग है उस स्वर्ग का साधन है याग, यद्यपि सामान्य रूप से मालूम तो पड़ा, तथापि क्षणिक से याग से, फिर भी याग तो क्षणिक है, अग्नि सब बाद में बुझ गई, याग किए दो चार घंटे बाद अग्निया बुझ गई, सब जो है कुछ नहीं बचा, याग भी पूरा हो गया, नष्ट हो गया। तो क्षणिक से याग से कालांतरी फल स्वर्ग साधनत्वा संभवा, फिर भी जो क्षणिक याग है कालांतरी स्वर्ग का साधन नहीं हो सकता, इसलिए निष्फलत्वम संकेत, वह तो निष्फल हो जाएगा, ऐसी शंका हो, यदि शंका करे इत्याशंका है, ऐसी आशंका को उत्थापन करके वह बता रहा है कि न च प्रमाणाधिगतत्वात् अनर्थक्यम युक्तम, प्रमाण से अधिगत है वह इसलिए अनर्थक नहीं, फल वाला है, क्योंकि शास्त्र वाक्य कह रहा है, इसलिए प्रमाण से ज्ञात होने की वजह से वह अनर्थक नहीं कह सकते, निष्फल नहीं है, याग आदि ही फल दे देगा, ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं। टीका में देख लीजिए, टीका में चतुर्थ पंक्ति, औषध पान आदि कर्मणा स्थायी संस्कार द्वारे कालांतरी आरोग्य आदि फल हेतुत्व प्रसिद्धे, जो औषध पान आदि दवाई पी लिया, जैसे वैक्सीन लगवा लिया, तो आगे भी रोग नहीं होगा, क्योंकि स्थाई उसका संस्कार, पहले बहुत लोगों को पोलियो होता था, पोलियो बहुत होता था पहले लोगों को, तो पोलियो का वैक्सीनेशन हर प्रत्येक वर्ष होने लगा, तब किसी को नहीं होता है, तो मतलब वो जो औषध दवाई वो वैक्सीन लगाए वो स्थाई संस्कार शरीर में उत्पन्न कर देगा, आगे तक भी रहेगा, इसलिए आदि व्यक्ति को दोबारा हो पोलियो ये सब नहीं होता। तो औषध पान आदि जो कर्म है वो स्थाई संस्कार द्वारे न कालांतरी आरोग्य आदि फल हेतुत्व प्रसिद्ध है, स्थाई संस्कार के माध्यम से कालांतरी जो आरोग्य आदि फल है उसका हेतु बन जाता है औषध पान आदि, इसलिए कोई कोई औषधि है बहुत लंबे एक बार पी लिए वो बहुत समय तक जो है शरीर में रह करके वो ठीक रखती है। तो काला तो स्थाई संस्कार हो गया, ऐसा कालांतरी फल का हेतु है ऐसा प्रसिद्ध है, तो इसलिए याग से श्रुत साधनत्व निर्वाह है, इसी प्रकार याग में ही, याग में क्या शास्त्र में बताया गया है, वह स्वर्ग का साधन है, स्वर्ग को चाहने वाला याग करे, मतलब याग स्वर्ग का साधन है, तो याग में श्रुत साधनत्व स्वर्ग की साधनता का श्रुति में वेद वाक्य में श्रवण हुआ, उस साधनता का निर्वाह करने के लिए आपको मानना पड़ेगा स्थाई अवांतर अपूर्वम परिकल्प्यते, एक स्थाई अवांतर अपूर्व, जैसे अभी उदाहरण दिए औषध पी लिए आगे भी रोग नहीं होगा, एक बार पोलियो का ड्रॉप ले लिए तो जीवन पर्यंत पोलियो नहीं होगा, तो कुछ उसका संस्कार स्थाई संस्कार रह गया, ऐसे याग भी में भी स्वर्ग साधनता का निर्वाह करने के लिए एक स्थाई अवांतर अपूर्व की कल्पना हो जाती है, वह अपूर्व यानी पुण्य हमेशा रहेगा, आगे जब तक स्वर्ग नहीं मिलेगा तब तक रहेगा, तेन न तु अनर्थक्यम, इसलिए वह यागादि कर्म अनर्थक नहीं है, याग भले नष्ट हो गया तो भी पुण्य उत्पन्न हो गया, स्थाई अपूर्व उत्पन्न होकर के आगे फल दे देगा, इसलिए अनर्थक नहीं, क्योंकि निर्देश वाक्य निर्दोष वाक्यादिगतत्वात् इत्यर्थ, निर्दोष वेद वाक्य से उसका ज्ञान हुआ है, वेद वाक्य निर्दोष, वेद वाक्य से उसका ज्ञान,
बोलिए भाई। अगर वही तो बता रहा हूँ ना कि भाई याग और स्वर्ग के बीच में एक अपूर्व की कल्पना हो गई ना। याग तो नष्ट हो गया, स्वर्ग कैसे मिलेगा, तो बीच में एक अपूर्व की को मान लिए कि याग से अपूर्व उत्पन्न हुआ। जैसे औषध से एक स्थाई बीच में संस्कार उत्पन्न हो गया तो आगे भी रोग नहीं होगा, इसी को अवान्तर है ना, बीच में आने वाला अवान्तर अपूर्व। याग हुआ, याग तो नष्ट हो, नष्ट तो हुआ लेकिन अपूर्व को उत्पन्न करके नष्ट हुआ, तो बीच में हो गया। जैसे दादाजी और नाती के बीच में पिताजी आ गए ना, दादाजी ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन के बीच में वो पिताजी आ गए, वो बीच में आ गए, अवान्तर उसको ऐसे कहेंगे। तो ऐसे ही जो है याग से हुआ अपूर्व, अपूर्व से हुआ स्वर्ग, तो ये अवान्तर बीच में अपूर्व आया, अवान्तर अपूर्व की कल्पना होती है, इसलिए अनर्थक नहीं। तो श्रुत साधनत् सिद्धि अन्यथा अनुपपत्या किमिति ईश्वर एव नेष्यति। तो यहाँ पे सिद्धांती कह रहा है, वेदांती क्या कहेगा कि श्रुत साधनत्व अन्यत सिद्धि अन्यथा अनुपपत्या, याग में जो साधनत्व श्रुत हुआ है उसकी सिद्धि की अन्यथा अनुपपत्ति, जब तक ईश्वर नहीं मानेंगे वह तो याग तो जड़ है, कैसे फल देगा। तो याग में जो स्वर्ग साधनता शास्त्र में बताई गई, ईश्वर के बिना संभव नहीं हो रहा, इसलिए ईश्वर को मानना पड़ेगा। सिद्धि की अन्यथा अनुपत्ति से किमिति ईश्वर है उन्हें से थी, क्यों ईश्वर को नहीं मान लेते, ईश्वर को भी मान लो, ईश्वर होगा तभी तो याग में जो स्वर्ग साधनता है उसकी सिद्धि हो पाएगी, ईश्वर जानते हैं, सर्वज्ञ है। तत्र इस विषय में मीमांसक लोग कहेंगे न, ऐसा मत कहो, न चे ईश्वर अस्तित्व प्रमाणांतरम अस्ति इति चेत, ईश्वर के अस्तित्व में दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। अर्थापत्ति दे रहे हो कि और दूसरा कोई प्रमाण नहीं, इसलिए ईश्वर को नहीं मान सकते। टीका में देखिए बता रहे, नियम अर्थापत्ति ईश्वर अस्तित्व प्रमाण, ये जो अर्थापत्ति है कि याग में स्वर्ग साधनता ईश्वर के बिना नहीं बन पाएगा, इसलिए स्वर्ग साधनता की सिद्धि के लिए या ईश्वर को मानना पड़ेगा, चेतन है तभी फल मिलेगा। तो बोले ऐसा नहीं, ये जो अर्थापत्ति है ईश्वर के अस्तित्व में प्रमाण नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति है, बोला वो दिन में नहीं है इसलिए वो है ही नहीं। अरे भाई दिन में वहां नहीं था, रात्रि में तो आ सकता है, तो इसलिए ये अर्थापत्ति जो दे रहे हो कि ईश्वर के अस्तित्व में प्रमाण नहीं, क्योंकि अन्यथा भी उत्पन्नत्वात्, अर्थापत्ति में एक दोष होता है अन्यथोपपत्ति, अगर अन्यथा उत्पत्ति है तो अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा वस्तु की सिद्धि नहीं हो जाएगी। जैसे दिन में भोजन नहीं करने वाला मोटा हो रहा है, दिन में भोजन नहीं करता है इसलिए वो मोटा हो जाएगा, दिन में भोजन नहीं करने वाला मोटा हो रहा है तो रात्रि में भोजन की कल्पना करो, बोले नहीं शाम को करता है, संध्या काल में करता है, तो वहाँ ये लेना पड़ेगा संध्या काल के सहित दिन में जब भोजन नहीं करते हुए मोटा हो रहा है तो रात्रि में, तो संध्या काल को छोड़ करके दिन लोगे तो ये भी हो सकता है संध्या काल में भोजन करता हो, तब तो रात्रि में भोजन नहीं सिद्ध हो पाएगा। अर्थापत्ति में दोष है कि अन्यथा उपपत्ति, अन्य प्रकार से अगर सिद्ध हो रहा है तो अन्य किसी को मानने की आवश्यकता, इसको मानने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर स्वर्ग मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति ज्ञान से अतिरिक्त से ही अगर हो जाए तो ज्ञान को साधन मानने की आवश्यकता नहीं फिर, लेकिन हो नहीं पाती इसलिए वो ज्ञान को ही साधन, ज्ञान ही उसका साधन है। तो ये अर्थापत्ति प्रमाण ईश्वर के अस्तित्व में प्रमाण नहीं है अर्थापत्ति, क्योंकि अन्यथा उपपन्नत्वाद, अन्यथा भी उत्पन्न है, बिना ईश्वर के भी कर्म से फल हो जाएगा, तो ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है। न च मानांतरम अस्ति, और इस अर्थापत्ति को छोड़ करके आपके पास दूसरा कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए ईश्वर की सिद्धि नहीं हो पाएगी।
तद विषय श्रुत्यादे अर्थवादत्वात्। फिर बोले नहीं, ईश्वर के विषय में जो श्रुति आती है या सर्वज्ञ सर्वविद यसे ज्ञानमयम तप, तो पूर्व पक्षी कह रहा है वो श्रुति आदि वाक्य है, वो तो अर्थवाद रूप है, वो अर्थवाद के लिए, वो कर्म ही फल देने वाले होने से राजा आदि के समान ईश्वर के समान है, इसलिए कर्मों की स्तुति की जा रही ईश्वर आदि पद से। कर्म ही ईश्वर है क्योंकि फल दे रहा है। कहीं कहीं कहते यजमान को ही तम तत्वमसी, तो हाँ बोले वो यजमान की प्रशंसा के लिए, यजमान को कहते कि भाई तुम ब्रह्म हो, तो वो जो है बहुत और उत्साह से युक्त होकर के कर्म करेगा, ऐसा वो लोग कहते हैं। इसलिए ईश्वर विषयक जो श्रुति आदि है, श्रुति स्मृति आदि वाक्य, वो सब अर्थवाद रूप है, ऐसा वो कह रहा है, इसलिए कर्म से ही फल हो जाएगा। यहाँ तक पूर्व पक्षी आया, यहाँ तक पूर्व पक्षी। अब यहाँ सिद्धांती उसका जो है भूमिका बना रहा है उसका खंडन करने के लिए। ना अपूर्व द्वारेण श्रुत निर्वाह कल्पनीय, अपूर्व के माध्यम से श्रुत जो स्वर्ग साधनता का निर्वाह कल्पना नहीं करनी चाहिए। जो स्वर्ग साधनता कही गई कर्मों में, अपूर्व के माध्यम से श्रुत स्वर्ग साधनता का निर्वाह नहीं करना चाहिए, अपूर्व के माध्यम से नहीं करना चाहिए। यद व्यवहित फलम कर्म तद चैतन्य प्रयुक्त फलम इति दृष्टाया व्याप्तिर हानि प्रसंगा। अपूर्व के माध्यम से कर्म का निर्वाह, कर्म में स्वर्ग साधनता का निर्वाह क्यों नहीं करना है, क्योंकि व्याप्ति देखी गई है, जो कालांतर में फल देने वाला कर्म है, तद चैतन्य प्रयुक्त फलम, वह चैतन्य से प्रेरित होकर के फल देता है। जैसे कोई व्यक्ति है तुरंत जो फल दे रहा है, वहाँ तो किसी ईश्वर आदि को मानने की आवश्यकता भले नहीं, भोजन करोगे तृप्ति मिलेगी, बीच में ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है, वहाँ पे भोजन किए पानी पिए तृष्णा की निवृत्ति हो गई, वहाँ ये थोड़ी कहेंगे ईश्वर है तभी तृष्णा की निवृत्ति हुई। भाई पानी जब पीने से तुरंत तृष्णा की निवृत्ति हो रही, भोजन करने से तुरंत क्षुधा की निवृत्ति हो रही, तो वहाँ ईश्वर की कल्पना नहीं हो पाएगी। जो व्यवधान जो बाद में फल देते हैं, जैसे नौकरी कर रहे हैं आप लोग, तो महीने के भर के बाद पैसा मिले, किसी को कालांतर में फल पैसा मिलेगा, बैंक में पैसा जमा है वो बाद में मिलेगा। तो जो व्यवहित फल वाला कर्म है वो चेतन ही वह फल देता है, तद चैतन्य प्रयुक्त फल है। तुरंत जो फल दे दिया भोजन आदि, वहाँ तो चेतन को नहीं मानो चलेगा, चेतन को मानने की आवश्यकता नहीं, कि जो बाद में फल हो रहा है जिस कर्म का, तो फल देने वाला देख करके देगा कि इस व्यक्ति ने कितना महीने भर में काम किया है, 2 महीने में 3 महीने जो भी काम किया है, तो उसके अनुसार फल देता है। यदि व्यवहित फलम कर्म तद चैतन्य प्रयुक्त फलतम इति दृष्टा यह व्याप्ते रहानी प्रसंगात। ये जो व्याप्ति देखी गई है बाद में जो फल देती है जो क्रिया, वहाँ चेतन फल देता है। तो इसी प्रकार कर्म का फल बाद में मरने के बाद मिलेगा स्वर्ग आदि, तो वहाँ भी चेतन को ही मानना पड़ेगा, अपूर्व के माध्यम से स्वर्ग साधनता का निर्वाह करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो मानोगे तो ये जो व्याप्ति देखी है कि व्याप्ति की हानि हो जाएगी। क्या व्याप्ति देखी गई, जो कालांतर में फल देने वाला कर्म है वह चेतन से प्रेरित होकर के फल देने वाला है, देखा गया है नौकरी सेवा आदि कर्मों का। तो ये याग भी कालांतर में फल दे रहा है तो चेतन ही फल देगा। अतः श्रुत साधनत्व सिद्ध अन्यथा अनुपत्या, याग में जो स्वर्ग साधनता सुनी गई कालांतर में स्वर्ग मिलेगा, उस साधनता स्वर्ग साधनता की सिद्धि की अन्यथा अनुपत्ति से बिना ईश्वर को माने बनेगा नहीं, इसलिए ईश्वर फलदाता कल्पनीय, ईश्वर को फलदाता मानना पड़ेगा, फल देने वाले ईश्वर, ये ईश्वर की सिद्धि होती है। इत्याह न दृष्ट, इसी बात को दिखा रहे भाष्य में अंतिम पंक्ति पेज नंबर 85 पे है। न दृष्ट न्याय हानानुपत्ति, ऐसा मत कहो ईश्वर को नहीं मानोगे तो दृष्ट जो नियम है उस नियम की हानि हो जाए। क्या नियम देखा गया, जो कालांतर में फल देने वाली क्रिया है चैतन्य से प्रयुक्त फल होता है, चैतन्य फल देता है,
याग भी कालांतर में फल दे रहा है तो चैतन्य देगा, इसलिए ईश्वर को मानना पड़ेगा। इसलिए बिना ईश्वर के याग ही फल दे देगा ऐसा नहीं कह सकते। संग्रह वाक्यम विवरण होती, ये देखो संग्रह छोटा सा, न दृष्ट न्याय हानानुपत्ति, संग्रह वाक्य, इसका विवरण थोड़ा विस्तार करेंगे, कहना क्या चाहते हैं। संग्रह वाक्य विवरण कर रहे, क्रिया ही इत्यादि न, क्रिया ही द्विविधा, क्रिया दो प्रकार की, दृष्ट फला अदृष्ट फला, तुरंत दृष्ट फल देने वाली और अदृष्ट फल। दृष्ट फल वाले हो गई दृष्टम फलम यस्या, तुरंत फल मिल जाए, भोजन किए तुरंत आपको क्षुधा की निवृत्ति हुई, पानी पिए तुरंत जो है तृष्णा की निवृत्ति हो गई, ठंडी लग रही अग्नि के सामने बैठ जाओ तुरंत जो है ठंडी दूर हो जाएगी। एक तो दृष्ट फलक क्रिया है, दूसरी अदृष्ट फलाच, अदृष्टम फलम यस्या, याग का फल स्वर्ग हमने यहाँ नहीं देखे हैं, वो तो मरने के बाद मिलेगा, तो अदृष्ट फलक भी क्रिया होती है। दृष्ट फला भी द्विविधा, दृष्ट फल भी दो प्रकार की है, अनंतर फला आगामी फला, तुरंत जो फल दे देगी जैसे भोजन आदि, और आगामी फल मतलब थोड़ा कुछ दिन बाद कुछ समय बाद। तो देखो अनंतर फला गति भुजी लक्षणा, अनंतर फला तुरंत फल देने वाली, गति गमन किया, गमन किए तुरंत आपको जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाओगे, भुजी भुजी यानी भोजन क्रिया, भोजन किए तुरंत जो है क्षुधा की निवृत्ति होगी, या अनंतर यानी बिना अंतर के तुरंत फल देती है। अब कालांतर फला च कृषि सेवादि लक्षणा, और कालांतर में फल देने वाली कृषि सेवादि, कृषि कर रहे बाद में फसल होगा तब मिलेगा, सेवा नौकरी आदि कर रहे महीना भरने पे ही सैलरी मिलेगा लोगों को, तो कालांतर में फल, दृष्ट फलक वाले में भी कालांतर फलक होगी। तत्र अनंतर फला, तत्र अनंतर, हाँ तत्र अनंतर फला फलाप वर्गिण्येव, जो अनंतर फला मतलब तुरंत जो फल देने वाली है, फल को देख दे करके वो विनष्ट हो जाती है, फल को दे करके उसका नाश, भोजन कर लिए तृप्ति हो गई, भोजन क्रिया समाप्त हो गई, बोल दे भाई और खा लो, नहीं हो गया भोजन हो गया, पानी पिया तृष्णा निवृत्त हो गई और पी लो, नहीं नहीं हो गया हो गया, ते जो तुरंत फल देने वाली है फल दे करके विनष्ट हो जाती है। फलाप वर्गिणी, हो गया भोजन, हो गया पानी पी लिया, पहुंच गया, हाँ पहुंच गया, ऐसा बोलते हैं। कालांतर फला तो उद्वस उत्पन्न प्रध्वंसिनी, लेकिन जो कालांतर में फल देती है वो उत्पन्न होकर के विनष्ट हो जाती है। अब उसका फल देने के लिए कोई चेतन को मानना पड़ेगा, सेवा करना था कर दिया, पैसा मिलेगा बाद में उसको, कृषि करना था कृषि में उसके सिंचाई उचाई कर दिया, बाद में फसल होती है, तो कालांतर फला तो उत्पन्न प्रध्वंसिनी, तो वहाँ पे ऐसी जगह पे चेतन को मानना पड़ता है, नहीं तो क्रिया ही नष्ट हो गई तो फिर आगे आप कैसे फल देगी, कोई ना कोई चेतन को ही मानना पड़ेगा। टीका में फलोदयेन अपवर्गो नाशो यस्या, फल को उत्पन्न करके जो नाश हो जाती है, जिस जो क्रिया नष्ट हो जाती है उसे कहते फलापवर्गिणी, वह क्रिया है भोजन गमन आदि क्रिया, भोजन किए तृप्ति हो गई तुरंत तो नष्ट हो गई। न फलदातारं पृथक अपेक्षते, वहां पे भोजन करने के बाद तृप्ति के लिए भगवान को अलग से मानो, वहां मानने की आवश्यकता नहीं, भोजन किए भोजन से तुरंत तृप्ति हो गई, अब ऐसी जगह मानो कि इसके लिए ईश्वर को मानना पड़ेगा, तो वहाँ ऐसा आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे ईश्वर तो है ही ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ उस जगह पे आवश्यकता नहीं। उत्पन्न प्रध्वंसिनी थी, उत्पन्न प्रध्वंसिनी क्रिया किसे कहते हैं, जो कालांतर फला है, तो उत्पन्ना सती फलम अदत्वैव प्रध्वंसते, उत्पन्न हो करके फल को नहीं दे करके ही जो नष्ट हो गई उत्पन्न प्रध्वंसिनी क्रिया हो गई, ततस्तत्र फलदाता कालांतरी अपेक्षते इत्यर्थ, इसलिए फल को देने वाला कालांतर में वहाँ पे अपेक्षित है, चेतन नहीं होगा तो कौन फल देगा। जैसे कोई व्यक्ति बुलाए भाई एक कार्य है, कार्य करा लिया फल पैसा बाद में देता है उसको,
तो चेतन देगा वो कालांतर फल वाली क्रिया में। हाँ, इस तरह से आया याग आदि तस्माद तस्माद। हाँ, आगे पहले ठीक पहले भाष्य में देखिए, आत्मसेव्याद्यधीनम ही कृति सेवा दे फलम। आत्मा और सेव्य यानी स्वामी, इन सब के अधीन है कृषि सेवा आदि का। स्वयं और कृषि करेगा, स्वयं करेगा तो स्वयं उसको बाद में मिलेगा, अथवा अपना जो सेव्य है स्वामी आदि है उनके अधीन कृषि सेवा आदि का फल है। या तो ना चो उभयान्वय व्यतिरेकेण स्वतंत्रम कर्म, तो उभय अन्वय व्यतिरेक को छोड़ करके यानी इन दो नियम को छोड़ करके, इन दो नियमों को छोड़ करके स्वतंत्र कर्म ततो वा फलम दृष्टम, ऐसा कर्म स्वतंत्र देखा गया अथवा उससे फल स्वतंत्र रूप से देखा गया ऐसा नहीं देखा गया। इन दोनों ही नियम से होती है, जो तुरंत फल देने वाली है वहाँ तो क्रिया नहीं दे दिया, और जो कालांतर में फल देती है वहाँ चैतन्य फल देता है। इन दो नियम को छोड़ करके कहीं भी स्वतंत्र रूप से कर्म कर्म अथवा उससे फल नहीं देखा गया। तीसरे जो, हाँ जी बोलिए, ये जो कालांतर में फल की बात किसान को लेके हो रही है, तो बहुत बार तो कृषि अतिवृष्टि हो गई तो उसका फल कौन देता है? हाँ तो वो वही वही जो भी मिल रहा है वही फल, कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा ना, अरे कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे सत्यानाश हो जाना किसान होता है बेचारा, तो कहाँ मिला फल उसको? अरे उसको सरकार मुआवजा दे देगी, उसको मुआवजा मिलेगा। हड़ताल करते हैं, क्या बात कर रहे हैं, हड़ताल कर देते हैं वो मुआवजा मिल जाते हैं। चलिए देखिए आगे, अरे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए देखिए आगे आगे, तथा च कर्म फल प्राप्त न दृष्ट न्याय हानम उपपद्यते। तो कर्म फल की प्राप्ति में जो है देखा गया दृष्ट न्याय है, नियम है, इस न्याय का उल्लंघन नहीं कर सकते। भाई जो कालांतर में फल देने वाली वहाँ चेतन ही फल देता है, इस नियम का उल्लंघन आप नहीं कर सकते, इसलिए ईश्वर को मानना पड़ेगा। टीका में देखिए, यागादि फलम कर्मादि अभिज्ञेन दीयमान। यागादि का फल कर्मादि अभिज्ञेन, कर्मादि को जो अभिज्ञ जानने वाला है, ईश्वर जानता है कि इस कर्म का फल इसको इस जगह पे मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए, ईश्वर को पता है, जीव को नहीं पता है। तो यागादि का जो फल है कर्मादि अभिज्ञेन दीयमानम, कर्मादि को जानने वाले के द्वारा दिया जाता है। इसलिए क्यों? क्योंकि व्यवहित फलित्वात्, व्यवहित फल वाला है यागादि का फल है, सेवा फल वा, जैसे सेवा का फल नौकरी किया महीने भर बढ़ने के बाद पैसा मिलेगा, दो महीने के बाद मिलेगा, तो व्यवहित फल वाला जो भी कर्म है वह कर्म को जानने वाले के द्वारा उसका फल मिलता है, तो ईश्वर की सिद्धि होती है। इत्या तस्मात् शांते यागादि, देखिए भाष्य में, तस्मात् शांते छांते यागादि कर्मणि, शांते को शक उच्छा हो जाता है व्याकरण से, शांते यागादि कर्मणि, याग किए याग तो समाप्त हो गया, स्वर्ग मिलेगा मरने के बाद, कौन देगा? ईश्वर देगा। तो नित्य कर्तृ कर्म फल विभागज्ञ ईश्वर, तो नित्य है कर्ता कर्म और फल के विभाग को जानने वाला ईश्वर, वह ईश्वर ही सेव्यादिवत यागादि अनुरूप फल दाता उपपद्यते। सेव्यादि के समान, जैसे सेव्य है जिसका हम जो हमारा स्वामी है, सेवक सेव्य, सेवा करने वाला हो गया सेवक, और जिसकी सेवा करे उसे कहते सेव्य, सेव्य यानी स्वामी। तो सेव्यादि के समान जैसे सेव्य है स्वामी है वो फल देता है सेवा के अनुरूप, इसी प्रकार ईश्वर भी सभी कर्मों के कर्ता कर्म फल के विभाग को जानने वाला है, वह भी यागादि अनुरूप फलदाता उपपद्यते। यागादि के अनुरूप वह फल देने वाला संभव है, संभव सच आत्मभूत। और वह ईश्वर क्या? हमारा ही स्वरूप है, हमारा ही रूप है, सर्वस्य सर्व क्रिया फल प्रत्यय साक्षी, सभी की सभी क्रियाओं का सभी फलों का प्रत्यय ज्ञान
उनका सबका साक्षी है। नित्य विज्ञान स्वभाव, नित्य विज्ञान ज्ञान स्वभाव वाला ज्ञान स्वरूप है। संसार धर्म अस्पृष्ट, संसार असंस्पृष्ट, संसार धर्म से संस्पृष्ट नहीं। आगे का विचार कल होगा। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।